चुका है। ओ वाइस वाइस गाइस गाइस वेरी हाई कंपटीशन ओनली फॉर वन ब्रेड। और आप देख सकते हो क्या तबाही, ये देखो पानी मुंह पे गिर रहा है, इतना ज्यादा वो हो रहा है, खिलाने लगा है। देखते हैं चैलेंज एक्सेप्ट कर पाता है नहीं। क्या मंकी तुम हमको कंटेंट दोगे? मंकी आप हमें यूट्यूब का कंटेंट दोगे या नहीं दोगे? डालो डालो। तो फाइनली देखो मंकी भी आ चुका है। गाइस मैंने अभी भैया को चैलेंज दिया है, भैया अभी 10 पुशअप निकालेंगे आपके सामने। तो गाइस जैसे यहाँ झूले लगे हुए ना, जहाँ मैं पहले रहता था ना वहाँ पर, जैसे आज झूले लगे ना, लोगों ने दूसरे दिन इसको तोड़ तोड़ के कबाड़ी की दुकान पे भी बेच दिए थे। चाहता है सुन लो क्या, सच बताना भैया सस्ते ब्लॉगर है कि नहीं है? तो आप मेरे को बताना कि मैं सस्ता ब्लॉगर हूँ या हाई क्वालिटी लेवल का ब्लॉगर हूँ, कमेंट में बताना। गाइस आप देख सकते हो एक जो कैट है, कैट का मुंह किसने बोतल में घुस चुका है, ये देख सकते हो ये रही कैट। फाइनली अभी हम ऐसी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो किस टाइप की लोकेशन है और क्या व्यू है। और बतख भी आप देख सकते हो, लो देख सकते हो। अभी देखो हम फिश वाली लोकेशन पे आ चुके हैं और बतखें भी कितनी आ चुकी हैं और फिश भी आप देख सकते हो, क्या ही तबाही। बतख से हाई कर लेते हैं। हेलो हेलो कैसे हो, मेरे चैनल को बोल दो हे वेलकम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, वेलकम 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 वेलकम। और इनकी आइज देखो कितनी ही क्यूट आइज हैं, ब्लू कलर की आइज देख सकते हो आप, भूख लगी आप देख सकते हो। और हम स्टिंग खिलाने लगे हैं और अब चिप्स खिलाएंगे इनको। और मेरे साथ सौरभ आया है, देख सकते हो सौरभ द ब्लॉगर, 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट एंड 300 सून, सो कंग्रेचुलेशन बोल दीजिए आप कमेंट में स्पेशली इनको। और डक को भी देख सकते हो आप, और मैं आपको अभी अपनी शक्ल भी दिखाऊंगा इनकी। सबसे पहले आप आइस देखो कितनी प्यारी आइस है, अभी ये अपने हाथ से खिलाने लगा, आज देखते हैं इसके हैंड से खाती है, मेरे हैंड से खाती है, ये देख। तो स्पेशली चेक करते हैं कि साथ लो, लो क्या बोल रही, अब देख सकते हो ये कैसे बुला रही हैं। ये क्या बोल रही होंगी, क्या बोल रही कौन कह रही, मेरे को रील बनानी है कच्चा बादाम वाली। हाँ पीछे से भी आ रही है, सब चेक करो पीछे से, स्पेशली 1 2 3 हमसे मिलने के लिए। और साउंड चेक करो, और एक ब्रेड खा रही हैं, और ये भी देखो डलने नहीं हो रहा लेकिन फिर भी जंप कर दिया। मुझे डर लग रहा है अब इनसे, इनको नहीं मेरे से लग रहा है। और ये ब्रेड खाती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने सारे पॉलीथिन्स पड़े हुए हैं ब्रेड के भी, वो कहूँ देख सकते हो भाई साहब, आप भी चेक कर सकते हो कितने पास आ चुकी हैं, बिल्कुल पास। बस ये देखो किसी नहीं आ रही है, फाइनली आप इनको टच भी कर सकते हो, ये कुछ नहीं बोलती हैं आप सबको। और फिश भी बाहर आ चुकी हैं, मैं अभी जस्ट इसको पकड़ा और ये देख सकते हो काटी है। और अभी हम लगे हैं स्टिंग पीने, सो स्टिंग नहीं पीनी चाहिए, बहुत ही बैड होती है, लेकिन अभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है इस कारण से पी रहा हूँ मैंने, इससे आप मत ही पियो तो बहुत ज़्यादा जल्दी बंदा एडिक्टेड हो जाता है। और ये देख सकते हो फिश के बीच से कैसे जा रही है। सो फाइनली अभी आपने देखा कि क्या लोकेशन, अभी यहाँ पे बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं चिल कर रहे हैं, और कितने सारे कां भी आ चुके हैं यहाँ पे छोटी सी। सो अभी देखो हमने छोटी सी डाली और कितनी सारा फिश आ गया, अभी तो जस्ट थोड़ी सी डाली थी। यहाँ पे बैठते हैं सबसे पहले और मैं एक फेंकने लगाऊँ, आप देख सकते हो कंपटीशन कितना ज़्यादा है, क्या ही नेक्स्ट लेवल का कंपटीशन है गाइस। और स्टिक को निकालते हैं बाहर, और अभी आप ये जो फिश है यहाँ पे आप इसको हैंड भी लगा सकते हो, और कितना ज़्यादा डरावना हो रहा है यार, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड।
सो आप देख सकते हो। डॉग को क्या कह सकते हो, फाइनली माय गाइस सो वेलकम टू चैनल्स एंड दिस। ओ भाई साहब, कुत्ता ही भगा दिया मैंने, वो भी कितनी तेज आ रहा है। सो मैंने यही बोला था, वेलकम गाइस, वेलकम ब्लॉग, वेलकम ब्लॉग। सो फाइनली गाइस, अभी हम आए थे, जैसे हम वहाँ पे गए थे ब्लॉग शूट करने, आज मेरा काफ़ी इतना ज़्यादा मन नहीं था ब्लॉग बनाने का, लेकिन फिर भी मैंने शूट किया। और अभी हम दुकान पे गए थे तो वहाँ पे ब्रेड खाती हैं, हमें पता नहीं था। जब भी हम पहले आते थे तो हम आटा लेके आते थे या और फुल्लियाँ जैसा दूसरा सामान लेके आते थे, तो आज फाइनली हम ब्रेड लेके आए हैं अभी शॉप से। तो आपको अभी उनको ब्रेड खिलाते हैं और दिखाते हैं, ये कुछ ब्रेड लाया है। सो अभी चलो उनको दिखाते हैं। डालने लगा है, मैंने बोला आप थोड़ा पुण्य कर लो क्योंकि 12th के पेपर हैं, 12th के पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएँ। सो अभी जा रहे हैं हम यहाँ पर और एक रील भी शूट करेंगे अच्छी सी। और अभी फिश देखो पहले आने, जैसे आप आते हो तो फिश देखो पहले आ जाती हैं, इनको पहले ही पता चल जाता है कि ब्रेड ला रहे हैं। ये सब है वो देख सकते हो, हाथ से खिला रहा है तो, और मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा हाथ से खाने में कैसा खाते हैं, तो ये हाथ से खिला रहा है। डर लग रहा होगा आपको बहुत, वो आपने तो ऊपर और कंपटीशन देख सकते हो कितना ज़्यादा हाई हो चुका है। ओ वाइस वाइस गाइस गाइस, वेरी हाई कंपटीशन ओनली फॉर वन ब्रेड। और आप देख सकते हो क्या तबाही, ये देखो पानी मुंह पे गिर रहा है, इतना ज्यादा वो हो रहा है गाइस। अभी ये हाथ से खिलाने लगा है, सो देखते हैं चैलेंज एक्सेप्ट कर पाता है। नहीं इधर मत बीच में रख क्योंकि इधर वो हो जाएगा। और हाथ से खिला रहा है फाइनली, फाइनली नहीं कोई खा पा रहा, हाथ से डर रहे हैं सभी सभी फिश। और फाइनली एक ने, ये वाली फिश ने खा लिया। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि इतनी ज़्यादा फिश हैं, तो किसी को ही खाने को मिल पा रहा है, हर एक को नहीं मिल पा रहा है। सो आप ये चेक कर सकते हो, इसको गल ले जाएं फिश को, एक बहुत मन कर रहा है फिश टैंक में रखने का। और यहाँ पे जब हम पहले बार विजिट करे थे तो अब ये देख सकते हो गोल्डन कलर, ऑरेंज कलर की। वैसे गाइस ये फिश को पकड़ते नहीं है, लोग बोलते हैं कि पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वाली मतलब बड़े पौंड में रहती है, वो जो घर में छोटे पौंड होते हैं ना उसमें नहीं रहती, तो इधर ही रहने थे, क्या करने ले जाके यहीं पर आटा वाटा लोग डालते हैं। और अभी मैं आपको अपनी फेवरेट फिश दिखाऊंगा जो ऑरेंज कलर की है, यहाँ बीच में घूम रही है, बहुत ही रेयर आ रही है बाहर, इतनी अच्छी वो फिश है ना, तो आपका मन कर जाएगा उस फिश को लेने का। सो अभी आपको जस्ट यहाँ पे चेक कराता हूँ अगर आपको मिलेगी, ये रही, लेकिन वो अंदर है, हम आँखों से देख पा रहा है लेकिन कैमरे में इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो आप कुछ ऑरेंज टाइप का लग रहा है ना जो पूरा। क्या मंकी तुम हमको कंटेंट दोगे? मंकी आप हमें YouTube का कंटेंट दोगे या नहीं दोगे? कह रहा सब्सक्राइब करो, बोल रहा सब्सक्राइब करो फिर हम आपको कंटेंट देंगे। और ये डॉग को गुस्सा आता हुआ बोलता, मंकी कैसे आ गया हमारे इलाके में, बोलता मैं इसको खा जाऊंगा। वो जा रहा है डॉग और वो रहा मंकी, वो आ गया नीचे, वो देख सकते हो और आगे वाइट नेक्स्ट लेवल, वो यहाँ पे भी। डालो डालो। तो फाइनली देखो मंकी भी आ चुका है, हनुमान हनुमान जी आ चुके हैं यहाँ पे, जय श्री राम। ये डर रहा है काफी ज्यादा, कितना ज्यादा पीछे चला गया है। मैं वहाँ पे बैठा था, ये ब्रेड खा रहा था, ब्रेड उनको डाल रहा था, तो मंकी आ गया एकदम से और खाने लगा, तो मैंने उनको ऊपर भी मंकी को डाले हैं, तो अभी गुस्सा भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, डर लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। और फिश भी जा चुकी है यहाँ से, तो हमने रील भी शूट करनी थी, वो भी नहीं हो पाई। कितना ज़्यादा गंद डालते हैं यहाँ पे, गंद नहीं डालना चाहिए। अभी हम कंपटीशन देखो, फुल ब्रेड, वेरी हाई कंपटीशन गाइस। और यहाँ से मैं पॉली ये साइड पे रखने चाहिए, मंकी को बाय कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक बार बोल दो मेरी ऑडियंस को। और ये इतना सारा गंद है, ये हमने साइड करना था, मंकी नहीं उठाने दे रहा, नहीं तो मैंने वहाँ पे साइड करके रख दिया, ये भी रख देता गंद। सो जो भी यहाँ पे विजिट करता है ब्लॉग देख रहा हो तो साइड पे ही रखना, जो भी रखना है गंद ऐसे नहीं फेंकना। अभी हम जा रहे हैं, तो अभी फाइनली गाइस स्कूटी करेंगे स्टार्ट, तो चलते हैं। अभी हम फिश होके आ चुके हैं, वहाँ पे मंकी आ चुका था, ये हमारा खाना देख सकते हो डाइट का, जिम वाले बॉयज यही खाते हैं। और ये जिम वाला बॉय, ये स्कूटी देख सकते हो आप, न्यू आई है, क्या नाम है इसका, एक्टिवा 125। और स्टार्ट होने में यहाँ से, और ये बहुत भागती है गाइस, बहुत, ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही, भागनी क्या है। अरे भाई हेलो, स्कूटी खराब हो गई, अभी फिर से ऑन करेंगे।
वो इसके लिए वो करना पड़ता है ब्रश। ओके गाइस, अभी हम आ चुके हैं पार्क में और सभी मेरे को देख रहे हैं जैसे कि मैं एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीनरी, क्या ही खूब ग्रीनरी है। और आज संडे का दिन है तो आपको जैसे पता है कि संडे, हर संडे को मैं ब्लॉग बनाता ही हूँ और कहीं ना कहीं टूर करता ही हूँ। पेड़ को देखो इन्होंने क्या कर दिया हुआ है। पार्क देख सकते हो कितना ही मस्त है। और यहाँ पे हमने फोटो शूट की है कुछ, आई होप यहाँ पे कुछ भी फोटो शूट जो अच्छे आए होंगे। अभी हम थोड़े से झूले जो लगे हुए हैं वो ट्राई करते हैं कैसे हैं। तो अभी हम झूले लेंगे मैं और मेरा दोस्त सौरभ, जो आपने देखा होगा, अभी यहाँ पे ट्राई करते हैं कितना निकलता है, कुछ चैलेंज वगैरह लेते हैं। चलो सो गाइस, अभी हम झूले लेने लगा, थोड़े से पुशअप निकालने लगा, देखते हैं कितने निकलते हैं। ये होते हैं एक्सरसाइज बार में। अभी सौरभ ट्राई करेगा, देखिए कितना निकाल पाता है। और बोल रहा 200 निकालूंगा, झूला टूट जाएगा। So, मैंने अभी भैया को चैलेंज दिया है, भैया अभी 10 पुशअप निकालेंगे आपके सामने। बस हो गए, चैलेंज रन हो चुका है। अभी ये कुछ मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पे, ट्राई करते हैं। गाइस जैसे यहाँ झूले लगे हुए ना, जहाँ मैं पहले रहता था ना वहाँ पर, जैसे आज झूले लगे ना, लोगों ने दूसरे दिन इसको तोड़ तोड़ के कबाड़ी की दुकान पे भी बेच दिए थे। और यहाँ ये देख सकते हो मुश्किल से खड़े होने होता। ओ गाइस, अभी हम जा रहे हैं घर। तो ऑलरेडी ओवर हो चुका है सब कुछ, जो आज से हम घूमने आए थे तो फाइनली हम घूम चुके हैं। और इसके चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे फ्लावर देख सकते हो कितने अच्छे लगे हुए हैं। आपको सिनेमैटिक शॉट्स देता हूँ एक। वो हो सिनेमैटिक शॉट देख सकते हो, सिनेमैटिक शॉट्स। वो अगर ये सिनेमैटिक शॉट्स पार्क वालों देख लिए वो बोलेंगे क्या कर रहे हो, फ्लावर खराब कर रहे हो हमारे पार्क में। सो यहाँ पे भी आपको एक सिनेमैटिक शॉट चाहिए तो चलो दे ही देता हूँ। बोलना चाहता है सुन लो, क्या सच बताना भैया, सस्ते ब्लॉगर है कि नहीं है? तो आप मेरे को बताना कि मैं सस्ता ब्लॉगर हूँ या हाई क्वालिटी लेवल का ब्लॉगर हूँ, कमेंट में बताना। ये बोल रहे ये तो सस्ते ब्लॉगर देते हैं सिनेमैटिक शॉट्स ऐसे। एकदम तरीके से दिया जाता है सिनेमैटिक शॉट, जिससे हमारी वीडियो उठे, मतलब पैसा ही पैसा है, समझ रहे हो, पैसा ही पैसा। इतने पैसे का क्या करोगे? सोने आया था तो ये बोलेगा आज मेरी ऑडियंस को बाय। तो उसके बाद ये चेक कर रहा है फ्यूल कितना है। अभी 50 रुपये का डलवाया था गाइस, 50 रुपये का अभी तो बहुत है गाइस, कितना चाहिए। अभी तो टैंकी फुल आधे से भी ज़्यादा है। और डॉग देख सकते हो क्या रेस्ट कर रहे हैं। सो फाइनली अभी मैं जा रहा हूँ घर। सो आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, मेरे लिए नहीं करना है, सौरभ के लिए करना, लेकिन कर देना गाइस। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना यार, इसका चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप देख सकते हो एक जो कैट है, कैट का मुंह किसने बोतल में घुस चुका है, ये देख सकते हो, ये रही कैट। ओ यार सर, मैं कैसे हेल्प करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रही है। बेचारी कैट ऐसे तो मर जाएगी, तो अभी इनकी हेल्प करनी, बुरी हालत हो चुकी है। जो कि एक कैट है उसका मुंह उसमें फंस चुका है। सो अभी घर वालों को ये सुबह से हो रहा है, लेकिन मेरे को अभी हुआ फील हो रहा था कुछ, मेरे को लगा कि कुत्ता कहाँ कुछ गिर गया यहाँ पे। तो अभी इनकी हेल्प करूँगा यार, पक्का हेल्प करूँगा, निकालूंगा कैट काटे ना। घर वालों को बुलाया फाइनली, जब घर वाले आए तो उसके बाद देख सकते हो कितना ज़्यादा पसीना आ चुका है। तो मैंने बोतल को, वो जो ढक्कन मुंह पे था, मैंने उसको हटाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हट पा रहा था, बहुत ही ज़्यादा वो फिक्स्ड हो गया था वहाँ पे। फिर मैंने बहुत ही कोशिश की लेकिन मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया। सो कि जैसे ही बोतल से निकली वो तुरंत आ गई उसका मुँह पे, यहाँ पे कट भी लग चुके थे बहुत सारे, ऐसे ब्लड जैसा लग रहा था। तो अंदर कुछ खाने के लिए फेंका हुआ था। सो ऐसे गंद नहीं फेंकना चाहिए यार, हो जाता तो वो मर भी सकती थी। और कितने सारे डॉग रहते हैं यहाँ पे, डॉग भी उनको खा सकते हैं। सो आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।